अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरे थंबनेल से और टाइटल से पता चल ही गया होगा किस चीज़ की वीडियो। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स होंगे और आपका अच्छे सा फिशल घर में हो जाएगा। लेकिन उसको तन से पहले कहते जो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जल्दी से फॉलो करें। आई वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह मैंने हुआ है। सबसे पहले हम करेंगे क्लिनजिंग, ठीक है। सब फिशल के मतलब मेरे फोर स्टेप हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हम आते हैं, एक है मेरे पास साइड पे, ये है मेरे पास योगर्ट, ठीक है। ये मेरे पास दही है और दूसरी साइड पे मेरे पास मलाई है। अगर आपके पास दही है तो आप इसके अंदर लेमन ऐड कर लें, एक दो ड्रॉप लेमन ऐड करें। मैं आपको थोड़ा सा बना कर दिखा रहा हूँ कि आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि ये मैंने योगर्ट और लेमन लगाया। अगर आपके पास ये है तो आप अवेलेबल है तो आप इससे कर सकते हैं क्लिनजिंग, ठीक है। 5 से 6 मिनट आपने पाँच मिनट कर लें, ठीक है। क्लिनजिंग कर ली, फिर उसके बाद आपने क्या करना है और मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, ठीक है। अगर आपके पास योगर्ट नहीं है, आपके पास मलाई है, तो ये मैंने मलाई लिया, ठीक है, जो दूध की मलाई, ये मैंने मलाई लिया। इसके अंदर मैं 2-3 ड्रॉप मैंने लेमन ऐड कर दिया। इससे आप क्लिनजिंग कर सकते हैं। अगर मलाई है मलाई कर लें, अगर दही है दही कर लें, कोई मसला नहीं। दोनों में से जो चीज़ें मैंने इसलिए 2 चीज़ें बताई हैं कि आपको पता चल जाए अगर आपको कोई मसला हो तो आप इन दोनों में से कुछ भी ऐड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने करनी है क्लिनजिंग, उसके बाद हमने करना है स्क्रब। स्क्रब भी मैं बताती हूँ आपको क्या है, क्योंकि कुछ आपके पास क्लिनजिंग आपके पास चीज़ें नहीं होती है, ब्रांड का नहीं होता है, इसकी वजह से ये मैं बता रही हूँ कि आप इससे भी कर सकते हैं ईजीली। अगर आपके पास ये सब कुछ भी नहीं है तो आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं, दूध से भी क्लिनजिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये दोनों चीज़ें देख लें, इनमें से जो आपके पास अवेलेबल है वो ले लें। दही है दही और लेमन लगा लें, अगर मलाई लेमन है तो वो लगा लें, ठीक है। आप देख सकते हैं अपना अपने 1-1 टीस्पून 2-2 टीस्पून ले लेना, ठीक है, काफ़ी होगा। और सेकंड स्टेप होगा हम लोगों का स्क्रब करना, फेस स्क्रब, ठीक है। वो पहले क्लिनजिंग कर ली, क्लिनजिंग करके फिर हमने उसके बाद करना है स्क्रब, ठीक है। अब आपने सब कुछ घर में मौजूद होता है, ये वही स्क्रब है, वही क्लिनजिंग है और वही मास्क होगा, ठीक है। जैसे कि ये मैंने लिया हनी और मैंने लिया शुगर, ठीक है। आपने हनी और शुगर को ऐड करके अपने फेस पे स्क्रब करना है, ठीक है। क्लिनजिंग करने के बाद आपने स्क्रब करना है। ये जी मैंने आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ इसलिए कि आपको पता चल जाए किस तरीके से डालना। मैं आपको मिक्स करके बता रही हूँ, ठीक है, कैसे यूज़ करना है। बाकी आप अपने फेस के लिए हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कर रही कि वेस्ट जाएगा, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं यूज़ करना, ठीक है। इसकी वजह से बस आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। या आप ये जो फेशियल है ये आप महीने में एक दफ़ा कर सकते हैं, कोई ज़्यादा करें तो 2 दफ़ा काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये आपने ऐसे हनी और शुगर ऐड करके अपने फेस पे, ये आपका हो गया स्क्रब तैयार, वो हो गया आपका क्लिनजर तैयार, ठीक है। वो क्लिनजिंग करने के लिए, ये स्क्रब करने के लिए, इस तरीके से आपका ये हो गया। सेकेंड स्टेप भी हमारा डन हो गया, हनी है और शुगर है, जितनी आपको चाहिए आप उतनी उतनी क्वान्टिटी ले लें और आपका स्क्रब भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टीम वाली साइड पर। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है कोई मसला नहीं, आपने लेना है एक पैन, ठीक है। ये मैंने आपको छोटा इसलिए लिया कि आपको पता खाने के लिए। आपने लेना है एक पानी, उसको लेना है गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर फेस करके ऊपर से आपने टॉवल लेके आपने स्टीम लेनी है, जिससे आपने अपने पॉर्स ओपन करने हैं, ठीक है। फेस के जब वो ओपन होंगे तो उसके बाद आपकी अच्छे से वो क्या नाम लेते हैं, ब्लैक हेड और वाइट हेड निकल जाएंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर है तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से जो अवेलेबल है वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी, ये नहीं है वो नहीं है। अब इसको करते साइड पे, अब मैं स्टीमर वाली साइड पे आती हूँ। ये है जी मेरा, इसको मैंने गर्म करने रख दिया था, मतलब ऑन कर दिया था इसको मैंने। ये भी 2 पर चल रहा है, ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे होता है ऑन। ये अभी इसकी लाइट बंद है अभी, ये देखिए ये 1 पर स्टार्ट होगा, ये देखिए लाइट बंद है, ये 1 पर अभी, ये मैंने 1 पर कर दिया और ये मैंने 2 पर, मैंने 1 पर स्टार्ट किया था, 2 पर कर दिया कि जल्दी हो जाए। मैंने 2-3 मिनट पहले चला दिया था, आप ये देख सकते हैं ये स्टीमर हो गया। ये अगर आपके पास ये है तो आप इससे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जी ये नाक के लिए होते हैं, नोज़ करने के लिए होती है और वो पूरा फेस करने के लिए होती है, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जब ये कर लेने, फिर आपने 2 मिनट अपने फेस पे टॉवल लेके कोई भी अपने फेस पे रख लेना है, एकदम बाहर फेस नहीं निकालना आपने, बेशक दोनों में से जो सा मर्जी भी हो, ठीक है। वो कर लिया, 3 स्टेप हो गए। अब हम आते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। ये है मेरे पास मुल्तानी मिट्टी और ये मेरे पास मलाई है। मलाई और मुल्तानी मिट्टी जो ऐड करके लगानी है, ये मैं आपको जो अभी सिखाऊँगी ना, ये आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मुल्तानी मिट्टी लेके हम, ये सिर्फ जो अकेली मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर जो है, ये है जी ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। ड्राई स्किन के लिए आपके पास, क्योंकि अगर आप ये केला लगाएंगे तो आपकी स्किन ड्राई और हो जाएगी, लेकिन आपने ऑयली स्किन के लिए लेना है तो आपने ये मलाई लेनी है और आपने ये मुल्तानी मिट्टी लेनी है। किसी भी तरह के कहाँ जहाँ जो नॉर्मल आपको मुल्तानी मिट्टी मिली है वो ले लें, मलाई और मुल्तानी मिट्टी ऐड करके ये लगानी है ड्राई स्किन वालों के लिए, और मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर है उसके लिए ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। और ये हमारा फेस मास्क
एंड हो गया, ठीक है। ये हमारा लास्ट स्टेप था, लेकिन आपने स्टीम लेने के बाद आपने अपने जो ब्लैक हेड है, वाइट हेड है, वो रिमूव कर लेने हैं। इजीली हो जाएंगे, पोर्स ओपन होंगे तो हो जाएगा, लेकिन आपने जब पोर्स बंद करने हैं तो आपने ये फेस मास्क यूज़ कर लेना है, ठीक है। मैंने ऑयली स्किन के लिए बता दिया, ड्राई स्किन के लिए भी बता दिया। ऑयली स्किन के लिए है जी रोज़ वाटर और क्या नाम लेते हैं उसका, मुल्तानी मट्टी, और ड्राई स्किन के लिए जी वो आपको मैंने भी दिखा दिया है। और जी ये लास्ट टाइम मैं आपके साथ साथ वॉइस ओवर कर रही थी और साथ ये जी चिकन बनाई थी, चिकन फ्राई, इसकी भी मैं रेसिपी जल्दी लेके आऊँगी। इसको मैं फ्राई करती हूँ, ये अभी ऐसे बन रहा है लेकिन मैं इसको फ्राई करती हूँ। और ये देखिए जी आजकल तो गैस आ नहीं रही, सिलेंडर ही चल रहा है जगह, तो मैंने कहा साथ साथ आपको ये भी दिखा दूँ मैं क्या कर रही थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। लेकिन सबसे पहले मैं कहती हूँ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर मुझे चाहिए जल्दी से फॉलो करें। और अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।